अगर आप अपने आईसाइट को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आंखों से चश्मा हटाना चाहते हैं नेचुरली, तो आपको अपने वीक आईसाइट के रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। हमारे वीक आईसाइट के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज पॉल्यूशन, यूवी एक्सपोजर एंड मैनी मोर। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 प्रूवन टिप्स जिन्हें फॉलो करके ओनली 7 डेज के अंदर यू कैन इम्प्रूव योर आईसाइट और अपनी आंखों से वो चश्मा हटा सकते हो। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड रियल एंड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्थी फैमिली के एक हेल्थी मेंबर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अपनी आई साइट से रिलेटेड कि आपकी आंखें कितनी जल्दी ठीक होगी, तो कमेंट करना मत भूलना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू। हमारी फर्स्ट टिप आती है वॉशिंग योर आईज। रोज आंखों को ठंडे पानी से धोने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। खाली ये आपके आंखों को चश्मा ही नहीं उतारता, इससे आपके स्ट्रेस लेवल्स भी कंट्रोल में रहते हैं और आपका मूड अपलिफ्टेड रहता है। नाउ थ्रू आउट द डे हमारे आईज के अंदर डस्ट पार्टिकल्स बैक्टीरिया जाके वहां पे डेडली टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, जो ओवर द टाइम पीरियड हमारी आईसाइट को वीकेंड कर सकते हैं। सो साइंटिफिकल स्टडीज में प्रूवन है कि रोज आंखों को ठंडे पानी से धोने से अराउंड 90% तक टॉक्सिन्स हमारी आंखों से निकल जाते हैं, जिससे हमारी आईसाइट बहुत जल्दी इंप्रूव होती है। एंड फॉर दोज जिनको चश्मा लग चुका है, जब वो लोग आंखों को धोना स्टार्ट करेंगे तो उनके आंखों से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, जिससे उनके आईसाइट ओनली 2-3 डेज में इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा उनको। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दिन के अंदर एटलीस्ट 3 टाइम्स अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोएं। हमारी सेकेंड टिप आ जाती है यूज ऑफ सौम्य आई ड्रॉप्स। जब भी आई ड्रॉप्स का नाम आता है, बहुत जनों को याद आता होगा आंखों के अंदर इरिटेशन, आंखों में जलन आई ड्रॉप डालने के बाद। बट सौम्य आई ड्रॉप इज वन ऑफ द बेस्ट आई ड्रॉप आई हैव यूज टिल नाउ, बिकॉज ये आंखों के अंदर बिल्कुल भी इरिटेशन पैदा नहीं करता, कोई जलन नहीं होती, और छोटे बच्चे भी इसे अपने आंखों में डाल सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि 5 साल का छोटा बच्चा भी इसे आंख में डालेगा तो उसे कोई जलन नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर जो आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज करेगी है वो बहुत ही ज्यादा लाइट है। एंड सौम्य आई ड्रॉप यूज करने से ये आपकी आईज को मॉइस्चराइज करता है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, जिससे आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है। सो अगर आपको सही में 7 डेज के अंदर अपना चश्मा हटाना है और अपनी आई साइट को इम्प्रूव करनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस ड्रॉप का एटलीस्ट 2 times a डे यूज करें, सुबह उठ के एक बार और रात को सोने से पहले एक बार। सौम्य आई ड्रॉप्स को खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हमारी थर्ड टिप आती है यूज ऑफ क्यूकम्बर। क्यूकम्बर यानी खीरा, इसका इस्तेमाल आपके वेट लॉस से लेकर के आपकी आई साइट इंप्रूव करने तक किया जा सकता है। खीरे के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है, और रेगुलरली 1-2 खीरा खाने से ये आपके वेट लॉस जर्नी को भी बहुत इजी कर देता है। नाउ इन दिस केस ऑफ आई साइट, हमें खीरा खाने की जगह उन्हें अपनी आंखों पर लगाना है। खीरे की पतली स्लाइस को अपनी दोनों आईज के ऊपर लगाने से ये आपकी आई साइट की स्ट्रेन को कम करता है, आपकी आंखों के अंदर जो रेडनेस आ जाती है, इचिंग होती है, इरिटेशन होता है, उसको कम करता है, आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाता है, आपके डार्क सर्कल्स को कम करता है, और इन शॉर्ट ये आपके फेस के ऊपर ग्लो लेके आता है, एज वेल एज आपकी आई साइट को बहुत जल्दी इंप्रूव करता है। सो आपको अपनी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए और चश्मे को हटाने के लिए एवरीडे मॉर्निंग के अंदर अपनी दोनों आंखों पे 1-1 पतला स्लाइस खीरे का रखना है, और इसे एटलीस्ट 10-15 मिनट्स तक रखे रहना है। हमारी फोर्थ टिप आ जाती है यूवी प्रोटेक्शन। यूवी रेज आर वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ आवर आईज। यूवी प्रोटेक्शन सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, बट बिलीव मी, अगर आपको आंखों को ठीक करना, अपनी आई साइट को इम्प्रूव करना और चश्मा हटाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ह्यूमन आईज नेचुरली ऐसे डेवलप हुई है कि हमारी आईज को लो टू मॉडरेट लाइटिंग की जरूरत होती है देखने के लिए, बट जब हम सनलाइट में जाते हैं या फिर मोबाइल डिवाइसेस यूज करते हैं, तो उससे निकलने वाली डायरेक्ट यूवी रेज हमारी आई साइट को वीकेंड करती है। स्पेशली हमारे आईज के अंदर जो रेटिना होता है, ये उसको टारगेट करती है और उसके ऊपर डैमेज करती है। दैट इज वाई हमारी आंखों पर चश्मा आ जाता है और हमारी आई साइट वीकेंड हो जाती है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूवी रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे हमें चोट लगने पर हमारी बॉडी उस चोट को ठीक कर देती है, उस इंजरी को हील कर देती है, वैसे ही हमारी बॉडी हमारी आई साइट को भी रिपेयर कर देती है एवरी डे, बट ड्यू टू डायरेक्ट सनलाइट हमारी आईज वीकेंड होती रहती है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जब भी सनलाइट में जाएं, कड़ी धूप में जाएं, तो एटलीस्ट एक कैप या फिर एक सनग्लासेस जरूर पहने, जिससे आपकी आंखें डायरेक्ट यूवी रेज से बची हुई रहे। हमारी फाइनल टिप आ जाती है कंज्यूमिंग विटामिन ए रिच फूड्स। विटामिन ए प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंप्रूविंग योर आईसाइट बाय मेंटेनिंग अ क्लियर कॉर्निया, या आपके कॉर्निया को क्लियर रखता है, जो आउटर सेल होता है आपकी आई का। नाउ अगर आपको ब्लर विजन है और आपकी आंखें कमजोर है, तो आपको विटामिन ए जरूर कंज्यूम करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप विटामिन ए रिच फूड्स खाएं, लाइक पपाया, मैंगो, वाटरमेलन, ग्रेप्स,
और भी बहुत सारे हैं, आप गूगल कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू कंज्यूम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बिकॉज ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी आईसाइट को इम्प्रूव करते हैं और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनके। सो ये थी आज की वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर आईसाइट इम्प्रूव करने की प्लेलिस्ट चल रही होगी, आप उसे देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड तो कॉमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।